अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ घिया कद्दू, इसको आप जो भी प्रोनाउंस करें, उसकी सब्ज़ी। तो इसको मैं चिकन के साथ बना रही हूँ, बोनलेस चिकन के साथ। आप इसको चाहें तो मटन के साथ बना सकते हैं, बीफ के साथ बना सकते हैं, होल चिकन के साथ बना सकते हैं। मेरे बच्चे जो है वो बोनलेस ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसको बोनलेस के साथ बना रही हूँ। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा चिकन, ये कद्दू है, लौकी है जिसको मैंने काट के इस तरह से रख लिया है, और इसमें जो मसाले जाएंगे सिंपल से इसके मसाले हैं। इसमें हम नमक डालेंगे एक चाय का चम्मच, ये एक बड़ा चम्मच जो है लाल मिर्च है, एक चाय का चम्मच जो है हल्दी है, इसमें प्याज है, और इसमें ये अदरक लहसुन है, और इसमें जाएंगे टमाटर। और आए अब हम आपको बताते हैं इसको बनाना कैसे है। ये हमने एक पैन में प्याज डाल के ये इसको हम ब्राउन कर रहे हैं, और इसी के साथ हम जो अपना चिकन है ये भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये इसी के साथ फ्राई हो जाए। और इसी के साथ हम यहाँ पे अपना जो अदरक लहसुन है ये ऐड करके और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब आप देखते हैं इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया, हमारा चिकन जो है ये भी इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर और ये जो अपने सारे मसाले हैं। अब ये देखें इसमें हमने पानी डाल के अपना टमाटर और अपने मसाले डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना ये जो लौकी है हमारी, चिकन को हमने कुक नहीं किया है, यानी वो हम जब ये लौकी कुक होगी तो उसी के साथ हमारा चिकन भी कुक हो जाएगा। आपको पता है ये बोनलेस चिकन है तो वो जल्दी से कुक हो जाएगा इसी के साथ ही। अब ये देखें इसमें हमने पानी डाल के और अब हम इसको कुक होने तक हम इसको पकाएंगे कि ये अच्छी तरह से हमारा चिकन और जो लौकी है ये अच्छी तरह से गल जाए। अब ये देखें ये 10 से 15 मिनट कुक करने के बाद ये हमारा कद्दू जो है ये रेडी हो रहा है। अब इस स्टेज पे इसमें हम थोड़ा सा ये सूखा धनिया पिसा हुआ डालेंगे। इस वक्त डालने से जो है वो इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी और अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये जी हमारा तैयार हो गया है कद्दू चिकन। आप ये देखें इसमें ये चिकन जो है ये भी बिल्कुल नहीं टूटा और इसको हमने इसी के साथ कुक किया है। और होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। इसको आप रोटी के साथ, चावल के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। गर्मियों में ये बहुत मज़े का सब्ज़ी जो है ये लगती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।